व्यूअर्स, आप कैसे हैं? उम्मीद रखती हूँ आप खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कुक फ्रॉम होम में आप वेलकम करती हूँ। आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करिए और बेल के बटन को दबाना मत भूलिए। और व्यूअर्स, मैं मूवी एंड तक डिक्वे शेयर करूँगी मत भूलिए। व्यूअर्स, आज मैं मामा बनाऊंगी अपने स्टाइल का बीफ शोरबा। स्टार्ट करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, मेरी आपसे एक ही गुजारिश होती है, अगर आप नहीं है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जो है टच कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करना भी मत भूलें। और व्यूअर्स, मैंने आज बनाया है शोरबा, बड़े गोश्त का शोरबा। ना इसमें टमाटर डाले हैं, ना ही आलू का, सिर्फ सिंपल सा शोरबा और सिंपल तरीके से मैंने सिखाया है। ये देखें, चले आए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। गोश्त का शोरबा बनाने के लिए मुझे चाहिए गोश्त, मैंने ले लिए एक किलो के करीब है। ये प्याज है, तीन चार दरमियाने साइज़ के ले लिए हैं। लहसुन अदरक और आम मसाले, नमक मिर्च, हल्दी, बस ये। कढ़ाई पे मैंने कढ़ाई रख दिया गर्म होने के लिए। अब मैं इसमें प्याज डालती हूँ। जितनी देर में कढ़ाई गर्म होगी प्याज भी होने लगा साथ ही। अभी दोस्तों देखें, कढ़ाई गर्म नहीं हुई है और घी भी जो है मेल्ट नहीं हुआ अभी तक। सा हो गया, देखिए प्याज सोते सा हो गया। जैसे ही लाइट ब्राउन होगा मैं इसमें पानी, लहसुन अदरक डालूंगी, फिर पानी डाल के गोश्त डालूंगी। गोश्त को फ्राई नहीं करूंगी घी में, क्योंकि अब बड़ा गोश्त है, ये सख्त होता है। घी में फ्राई करने से और सख्त हो जाएगा। दोस्तों देखिए, प्याज मेरा जो है ना लाइट ब्राउन हो गया। अब मैं इसमें अदरक लहसुन डालती हूँ भर के एक चम्मच। अब मैं इसे प्याज को अच्छी तरह से इसमें करती हूँ, लहसुन अदरक फ्राई करती हूँ। प्याज में मैंने लहसुन अदरक फ्राई कर लिया। अब इसमें मैं पानी डालती हूँ। तकरीबन डेढ़ गिलास के करीब पानी डाला ताकि इसी पानी में अच्छी तरह से गोश्त डाल जाए। और ये मैंने अब गोश्त डाल दिया। अब इसमें मैं मसाले डालती हूँ, एक चम्मच नमक, सॉरी रेड चिली पाउडर, एक चम्मच के करीब नमक, हाफ चम्मच के करीब मैंने इसमें हल्दी डाल दी। अब मैं मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ। मिक्स करके जब तक एक उबाला नहीं आता इसे मैं हाई फ्लेम पे पकाऊंगी। जब एक उबाला आ जाएगा फिर मैं इसे लो फ्लेम पे पकाऊंगी। आपसे मिलते हैं थोड़ी देर तक। हंडिया हमारी पकने लगी है, अब मैं इसका फ्लेम लो करके तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दूंगी, फिर आपसे मिलते हैं आधे घंटे तक। दोस्तों देखिए, मैंने इसका फ्लेम अब हाई कर दिया, गोश्त गल गया। तो मैं इसका पानी जब तक खुश्क होता फिर मैं इसे इलायची डालकर, छोटी इलायची और गरम मसाला डाल के मैं इसे भूनती हूँ। तकरीबन हंडिया का पानी खुश्क हो गया, मैं इसमें छोटी इलायची, सफ़ेद ज़ीरा और अदरक पीस के डाल रही हूँ। पहले इसमें अच्छी तरह से भूनूंगी फिर मैं गरम मसाला डाल के भूनूंगी। और दोस्तों देखिए, ये भी टमाटर के बगैर शोरबा बनेगा, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का बनेगा। थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी, हाफ चम्मच के करीब गरम मसाला मैंने डाल दिया। दोस्तों हंडिया मेरी भुनी गई है, देखें घी भी आ गया ऊपर, ये देखें। अब मैं इसमें थोड़ा इतना ही पानी डालूंगी जितना कि इसमें शोरबा तैयार हो गया। एक गिलास के करीब मैंने इसमें पानी डाल दिया। चले आपसे मिलते हैं जब शोरबा तैयार हो जाए। दोस्तों देखिए, खाना हमारा तैयार है, कितना मज़े का बना है। ये देखिए, बिल्कुल टमाटर के बगैर बना है और शोरबा देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अगर दोस्तों आप नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो लाइक करना भी मत भूलें। अब मेरा शोरबा तैयार है, मैं इसे निकालती हूँ प्लेट में और फिर आपको दिखाती हूँ। दोस्तों देखिए, हमारा शोरबा तैयार है। मैंने इसमें ना सब्ज़ धनिया काट कर डाला है।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करना मत भूलें। और दोस्तों, मैं बहुत ही आसान और मुनफरद तरीके से खाना बनाना आपको सिखाती हूँ। मुझे कहता है कि ये दें इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।